मुंबई में पंडित दीनदयाल उपाध्याय संपूर्ण वाङ्मय का उद्घाटन किया गया। इस समारोह का उद्घाटन परम पूज्य स्वामी जी गोविंद देव गुरु जी, गोवा की राज्यपाल श्रीमती मृदुला सिन्हा और महेश चंद्र शर्मा द्वारा किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ हेमा फाउंडेशन द्वारा बनाई गई दीनदयाल उपाध्याय जी के जीवन पर आधारित फिल्म दीना के प्रदर्शन से किया गया। महेश चंद्र शर्मा जी ने गोवा और पौंडीचेरी की आजादी में दीनदयाल जी के योगदान का जिक्र किया। इस कार्यक्रम में हेमा फाउंडेशन के अलावा और भी कई संगठनों का सहयोग रहा। हेमा फाउंडेशन के सभी अधिकारी तथा इस समारोह में आए हुए विद्वत जन, भाइयों और बहनों, हम लोगों ने एक फिल्म देखी है जिसमें दीनदयाल उपाध्याय संपूर्ण वाङ्मय का परिचय प्राप्त हुआ है, अतः उस परिचय के बारे में मुझे भी कुछ नहीं कहना है। 9 अक्टूबर को दिल्ली में इसका लोकार्पण तो हो गया था, यहां दिल्ली में करने की क्या जरूरत है, तो सर फिल्म पूरी दिखाई नहीं जा सकी। लेकिन देश के विभिन्न प्रदेशों में ये कार्यक्रम अब आगे चल रहे हैं, देश साल भर में और आगे भी चलेंगे। उसका कारण यह है कि दीनदयाल जी को देश बहुत जानता नहीं है, और यह शताब्दी वर्ष आया देश उनको जाने, इसकी जिम्मेदारी किसी को लेनी चाहिए। तो एकात्म अनुसार प्रतिष्ठान ये काम संपूर्ण देश में कर रहा है। एक संयोग की बात है कि उनका शताब्दी वर्ष और देश में एक पैराडाइम शिफ्ट, उसका परिणाम है कि एक ऐसी सरकार आ गई जो दीनदयाल जी के विचारों से पली और बढ़ी है। और तब लोगों ने अचानक दीनदयाल उपाध्याय के नाम सुनना शुरू किया, तो कभी कभी लोगों को मन में आता है कि अचानक कहां से पैदा हो गया यह महापुरुष। उसका कारण यह है कि जब वो नहीं जानते, जिसको नहीं जाने उसे माने कैसे, तो जिसको नहीं जानते उसके बारे में ऐसा कहा जा सकता है। और इसलिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय, उनके विचार उनको कोई माने न माने, लेकिन उनके कर्तृत्व को जानना चाहिए जो कि देश नहीं जानता। उसके अनेक कारण है, उन कारणों में मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय सार्वजनिक जीवन में उस समय आए जब 1937 से 1947 का दशक है, जब एक नौजवान कॉलेज से बाहर आता है और वह देखता है कि इस समय क्या हो रहा है। आप पाएंगे 1937 से 47 भारत की आजादी के आंदोलन में आजादी की बात नहीं होती है, बात यह होती है कि अंग्रेज ने समझाया था भारत तो कुछ है ही नहीं, भारत तो बहुत से लोगों का समूह है प्रकार प्रकार के, और इसलिए अंग्रेज जाएगा तो राज आएगा, तो राज कौन करेगा, हिंदू कितना करेगा, मुसलमान कितना करेगा, दलित कितना करेंगे, सवर्ण कितना करेंगे, अवर्ण कितना करेंगे। इसी बहस में उलझा था आजादी के आंदोलन का अंतिम दशक, और इसमें खड़ा था ये नौजवान जिसने कहा मैं इस बहस में शामिल होने को तैयार नहीं। ये गलत बहस है। भारत की पहचान है, वह हिंदू मुस्लिम की पहचान नहीं है, वह दलित सवर्ण की पहचान नहीं है, वह अवर्ण जाति की पहचान नहीं है। भारत विश्व का प्राचीन और महानतम देश है। इसलिए उस नौजवान ने तब दो उपन्यास लिखे, जगत गुरु शंकराचार्य और सम्राट चंद्रगुप्त, और उसने उन्होंने बोध पैदा किया भारत एक और एकात्म है। और उस वक्त जो चर्चा चल रही थी, उस चर्चा का दुष्परिणाम हुआ भारत का विभाजन, और अखंड भारत की ध्वजा लेकर जो नौजवान आगे बढ़ा उसका नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय। हेमा फाउंडेशन ने ये दीनदयाल उपाध्याय जी की जो लघु फिल्म बनाई, वो कैसे आपके विचार में आए कि हमको ये बनाना? हेमा फाउंडेशन नैतिक शिक्षा पर आधारित कार्य करती है, और विशेष रूप से
बच्चों में नैतिक शिक्षा का जो पाठ्यक्रम तय किया गया है उसके ऊपर काम करती है। दीनदयाल जी एक ऐसा व्यक्तित्व है जो नैतिकता के साथ साथ शिक्षा के साथ उन्होंने कार्य पूरा किया। अपने जीवन में वो सेवाभावी रहे, अपने सिद्धांतों पर अड़िग रहे, ऐसा व्यक्ति का बच्चों तक विषय पहुँचे ये बहुत अनिवार्य है। केवल सिद्धांतों की बात करने से कुछ नहीं होगा, हमें कुछ ऐसे व्यक्ति बताने पड़ेंगे बच्चों को कि वास्तव में इन सिद्धांतों पर जिया जा सकता है। और ऐसे अनेक व्यक्तित्व आगे चलकर लाल बहादुर शास्त्री जी हो सकते हैं, सम्राट चंद्रगुप्त हो सकते हैं, ऐसे अनेक नाम डॉक्टर अब्दुल कलाम हो सकते हैं, जिन्होंने वास्तव में सिद्धांतों के आधार पर जीवन जिया है। ऐसे व्यक्तित्व को भी हम लेकर फिल्म बनाएंगे और वो बच्चों तक पहुँचाएंगे। ऐसे बच्चों के पास पहुँचाने का साधन बहुत आसान है। हम सब ने पूरा का पूरा पाठ्यक्रम तय किया है, ये एक पाठ्यक्रम का भाग होगा। जैसा कि आपको परसों भी बताया गया, 32 फिल्में अब तक बन चुकी हैं जिनको हम प्रकाशित कर चुके हैं, 8 और फिल्में बन चुकी हैं। लगभग 40 से 50 नैतिक मूल्य और इसी तरह से 40-50 ऐसे व्यक्ति जिन्होंने इन नैतिक मूल्यों पर जिए, इन सबको समाज तक पहुँचाना, व्यक्ति तक पहुँचना। आपको बताते हुए खुशी होगी मुझे, जहाँ पर भी हम विद्यालय पर पहुँचे हैं उन सब ने इस पूरे पाठ्यक्रम को स्वीकार किया है और वो पाठ्यक्रम विद्यालयों में चल रहे हैं। लगभग 19 राज्यों में अब तक हम पहुंच चुके हैं और सैकड़ों शहरों में तथा हजारों स्कूलों में इस माध्यम से कार्यक्रम हो रहे हैं।